हाय गाइस, दिस इज़ बेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। हो भाई, आप सब बढ़िया होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी टाटा नेक्सॉन की, जिसमें टाटा नेक्सॉन 2020 जो थ्री जो आई थी, अब जो रिवील हुई है भाई, उसके बारे में क्या कुछ लीक्स इसमें आपको मतलब महिंद्रा ऑफर कर सॉरी टाटा जो दे रही थी उसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी, जो भी लीक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग। वैसे भाई, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे महिंद्रा 5 डोर जो था नहीं थार आने वाली है महिंद्रा की, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ लीक्स निकल के आ रही है। बेसिकली भाई, ये जो है काफ़ी भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो थार है ये आपकी 2023 में आएंगी। नहीं भाई, ये आपकी 2024 तक आएगी। ऑफिशियली महिंद्रा ने खुद ने कहा है कि थार जो है वो लॉन्च करेंगे 2024 में। तो भाई, कोई भी अगर आपको ये कहता है कि ये 2023 में आएगी या मतलब ऐसा नहीं है भाई, ये 2024 में आएगी। तो भाई, क्या कुछ उसमें आपको महिंद्रा दे सकती है उसके बारे में, जो भी लीक्स वगैरह टेस्टिंग वगैरह चल रही है भाई, डेली स्पोर्ट होती है गाड़ी, कहीं ना कहीं देखते हैं कि पता चल ही जाता है भाई कि थार है। तो उस फोटोज़ में हमें क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। भाई, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, लीक्स के अकॉर्डिंग जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो भाई, सबसे पहले तो देखो आप कार की जो है, अब तक आपको कार में जो है ऑर्डिनरी DRL देखने के लिए मिलती थी, नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प वगैरह देखने के लिए मिलते थे। सबसे पहले भाई आप DRL देखो, सबसे पहले अगर आप DRL देख रहे हो तो भाई, इसमें आपको जो है अब की बार है LED वाली DRL देखने के लिए मिलेगी, जो आपको मेरे ख्याल से भाई मैट्रिक्स स्टाइल में देखने के लिए मिल सकती है, जो कि भाई मतलब अब की बार काफ़ी बढ़िया मतलब फ्रंट से अपडेट करा है अब की बार कार को। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, इसमें आपको हेडलैम्प जो है हेडलैम्प हेलोजन मिल रहे थे भाई, अब की बार जो है इसमें आपको गाइस एलईडी विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो प्रोजेक्टर इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो भाई, ये तो होना ही चाहिए भाई महिंद्रा को। चलो, अब आप आफ्टर मार्केट करवाते थे लोग, अब आफ्टर मार्केट नहीं करवाना पड़ेगा आपको, मतलब कंपनी फिटेड मिलेगा। जैसे बाहर से लोग डलवाते थे प्रोजेक्टर वगैरह, तो उस मतलब वो जगह ही है अब की बार कार जो है वर्थ इट होने वाली है। बेसिकली भाई, इसका कुछ जो प्राइस है वो तो बढ़ के आएगा, देखो अगर काम कर रही है गाड़ी इतना बढ़िया। साथ साथ भाई, अगर आप ग्रिल देख रहे हो तो ग्रिल अब की बार जो आपको रूबीकॉन स्टाइल में मिलने वाली है। लोग आफ्टर मार्केट भाई अब की बार लग रहा है महिंद्रा छोड़ेगी नहीं कुछ काम आफ्टर मार्केट, जो भी आपको स्टॉक में प्रोवाइड करवा देगी। हाँ, मतलब जो कंपनी पैसे बढ़ाएगी वो आपको काम करके दे रही है भाई उस हिसाब से। बाकी भाई, आप नीचे देखो फोग लैम्प, देखो फोग लैम्प भाई आपके सिंपल से हैं, ये भी भाई होपफुली आपके LED में ही मिलेंगे। बाकी भाई, अगर आप फ्रंट के विंडशील्ड में देखो तो अब की बार जो है कार में हमें ऑटो डिमिंग IRVM भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि भाई अब की बार मतलब काफ़ी अच्छा कर दिया है पहले से। तो भाई, यही था आपका मतलब फ्रंट से स्पाई शॉट, जो भी मतलब लीक सिंगल क्या है उसके अकॉर्डिंग फ्रंट से हम इतना ही पता लगा सकते हैं। तो यही था भाई फ्रंट में जो अब की बार महिंद्रा ने जो भी अपडेट करे हैं भाई, मतलब मेरे हिसाब से भाई काफ़ी अच्छे अपडेट्स अब की बार करे हैं। तो यही था फ्रंट का स्पाई शॉट। अब जो है हम कार के रियर में चलते हैं भाई। तो अभी तक अपनी थार 3 डोर जो थी उसमें 18 इंच के टायर, अब तक जो है थार में हमें 18 इंच के एलॉय व्हील देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अब जो है भाई हमें 19 इंच के मिलेंगे। भाई जैसे आप देख रहे हो, ये 198 मतलब 1B8 जो भी आपको शो हो रहा है भाई, ये एक्चुअल है भाई, इसका साइज दे लिखा हुआ है ये मतलब 19 इंच। जो भी इन्होंने कार वर्सल इन्होंने जो पिक शॉट्स लिए हैं, इनके आर्टिकल जो भी है नीचे इन्होंने लिख रखा था कि ये 198 इसका टायर साइज है। तो भाई बेसिकली अब की बार जो है 19 इंच का एलॉय देखने के लिए मिलेगा, मतलब भाई टायर का साइज इंक्रीज करा है। दैट मीन भाई कार की हाइट भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, मतलब ऊपर ही हुई है भाई, जिसका अंदाजा आप सामने चल रही वाली सामने जो आपके हेक्टर चल रही है भाई उसमें आप देख सकते हो, बिल्कुल भी वो आपके सामने नहीं है। बट भाई माइनर, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने मैथ्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि थोड़ी बहुत कार की जो है हाइट बढ़ी है। बस भाई एक ही चीज़ का डर है, जैसे आपकी काफ़ी सारी फोर्स ट्रैवलर, फोर्स गुरखा, मतलब इस टाइप के जैसे आप जाते हो भाई महिंद्रा की, और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं जो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट यूज़ होती हैं, बस ये उस तरह से निकल के ना आए जो इसका फाइनल लुक है भाई। काफ़ी सारे भाई लोग हैं जैसे मैं हूँ भाई, मैं भी काफ़ी कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होपफुली अच्छा ही प्रोडक्ट अब की बार जो है थार में अच्छे खासे चेंजेस, मतलब उस टाइप की ना लगे इतनी बोरिंग सी भाई, वो बहुत बोरिंग सी गाड़ियाँ लगती हैं थोड़ी भाई, मतलब एकदम लगे कि हाँ कोई चीज़ निकाली अब की बार। होपफुली भाई महिंद्रा से यही एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छा जो है ये थार 5 डोर जो निकाल रहे हैं काफ़ी अच्छी निकल के आएगी, इंडियन मार्केट में आग लगाएगी भाई। जैसे आपके भाई लोग 80-80 लाख में गुरखा खरीदते हैं, वो सॉरी 80-80 लाख में रूबीकॉन खरीदते हैं, लोग इसको खरीदेंगे 20-25 लाख रुपये में, तो वो इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मतलब भाई
अगर हम क्लाइडिंग या व्हील आर्चिंग जिसको आप बोलते हो उसकी अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर मेरे को कोई चेंज नहीं लगा है। जो अपनी एग्जिस्टिंग जो थार आ रही है वही सेम टू सेम उन्होंने दे रखा है। वही भाई कि आप रियर में भाई इसका बम्पर जो होता है वो अगर आप देखो तो उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं है। बस हाँ ये है कि जो रिफ्लेक्टर जहाँ आ रहे थे वहाँ शायद अब की बार लाइट आ सकती है। बाकी भाई वेजल्स जो मतलब शार्पनेस है वो थोड़ी कम करी गई है थार में, जैसे कि आप देख सकते हो राउंडेड राउंडेड इसमें कर दिए हैं। और रियर का जो ग्लास है उसको थोड़ा जो है ज़्यादा वाइड आ रहा था उसको थोड़ा छोटा करा है रियर से। गाइस अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आप देख सकते हो भाई लेंथ अब की बार जो है कार की 5 डोर के अकॉर्डिंग काफ़ी लंबी जो है कर दी है। बाकी हाइट भी जो है काफ़ी इंक्रीज़ करी है, जैसे कि आप रियर में देख सकते हो हाइट देखो कार की। बाकी जैसे मैंने बताया विंडशील्ड जो इन्होंने अब की बार छोटी कर दी है, हाइट जो है कार की काफ़ी अच्छी कर दी है। तो भाई अब की बार काफ़ी ख़तरनाक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और होपफुली आएगा अभी। गाइज अब तक जो हमने जो देखी थी लास्ट क्लिप्स में भाई होपफुली वो टॉप मॉडल होगा थार का, क्योंकि इसमें जब आप देख सकते हो भाई सबसे पहले हेडलाइट देखो, इसमें आपको नॉर्मल हेलोजल जो है हेडलैम्प देखने के लिए मिल रहा है। बाकी DRL भी इसमें आपकी नॉर्मल सी है। रियर में देखो भाई आपको स्टील रिम और भाई ऑल टेरेन टायर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी साइड में भाई इसमें आपको है ना एलॉय डाल रखे हैं, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्या पता जैसे टेस्टिंग चल रही है तो उन्होंने लगा रखे हैं ऐसे ही टेस्ट के चलते हुए। बाकी भाई ये एक तो चीज़ कंफर्म है कि इसमें जो है आपके पास थार में काफ़ी सारे वेरिएंट्स आएंगे, और जो है मतलब जो भी बजट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी वेरिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है थार में आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे ये भाई होपफुली उससे नीचे वाला ही वेरिएंट है ये चीज़, भाई बिल्कुल मैं आई एम प्रीटी श्योर भाई कह सकता हूँ मैं कि ये उससे नीचे वाला वेरिएंट है, क्योंकि इसमें जो है भाई आपकी ग्रिल देखो उसमें आपको रूबीकॉन वाली मिल रही थी। बाकी इसमें भाई साइडों में जैसे एलॉय डाल ही रखे हैं वो चीज़ मैंने आपको बता ही दी है। तो भाई ये चीज़ तो कन्फर्म है कि काफ़ी सारे वेरिएंट्स आएंगे और आपके जो भी आपका बजट होगा उसके हिसाब से आप उसको परचेज़ करोगे। अब जो है भाई हम थार के मतलब जो है रूफ़ की बात करें तो सबसे पहले भाई आप इसमें एक ही चीज़ देख रहे होगे, सारे लोगों की नज़र ही वहाँ पे होगी जो है भाई इसमें सनरूफ। अगर भाई इस कार में सनरूफ आ रही है दैट मीन भाई अब की बार जो है इसमें आपको कोई हार्ड टॉप सॉफ्ट टॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिंपल सा मिलेगा भाई मेटल या फिर जो भी होगा भाई। अगर जैसे मेटल भी जिसमें हार्ड टॉप सॉफ्ट टॉप होगा उसमें आपको सनरूफ तो मिलेगी ही नहीं, तो क्या पता दो वेरिएंट ऐसे आ जाएं। तो भाई अब की बार कार जो है अल्टीमेट रहने वाली है। तो भाई ये थे कुछ दी ओल्ड न्यू थार के अपडेट्स। होपफुली भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और हाँ भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो मैंने आपको फ्रंट में बताया था मतलब स्टार्टिंग में वीडियो के जो बताया था कि इसका जो नाम है भाई अर्माडा करके कुछ आ सकता है। 5 डोर थार इसका नाम नहीं होगा, अर्माडा करके इसका कुछ नाम आएगा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।